तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा तिल मावा रोल जो है वो बनकर तैयार हो गया है और इसे मैंने बिल्कुल देसी जुगाड़ से बनाया। इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा हमने नहीं डाला है, कोई भी चीनी नहीं डाला है, कोई भी चाशनी भी नहीं डाला है। तो आज मैं जो बनाने वाली हूँ, मेरे किचन में जो बनने वाला है वो तिल और मावा का रोल बनने वाला है, क्योंकि अभी मकर संक्रांति आने वाली है और मकर संक्रांति पे हम लोग तिल जो है बहुत ज़्यादा खाते हैं, मतलब तिल का काफ़ी महत्व है। तो आज मैं बनाने वाली हूँ तिल मावा रोल। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो तिल मावा रोल बनाने के लिए सबसे पहले हमने तिल लिया है और इसे कढ़ाई में हम लोग हल्का सा रोस्ट करेंगे। कढ़ाई को हमने पहले से ही गर्म कर लिया है और ये तिल जो है करीब 100 ग्राम के आसपास का तिल है। आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, ज़्यादा कम, जितने लोगों के लिए आपको बनाना है उसी के अकॉर्डिंग आपको तिल लेना है। तिल को थोड़ा सा ही भूनना है, 2 से 3 मिनट आप भूनेंगे तिल को तो तिल जो है बिल्कुल चटकने लगेगा और इससे चटकने की आवाज़ आने लगेगी, पड़पड़ की आवाज़ आने लगेगी। तो समझिए तिल जो है मेरा भुन गया है। ज़्यादा नहीं भुनना है, ज़्यादा भुनेंगे तो तिल जो है मेरा कड़वा लगेगा, मतलब जो भी बनाएंगे तिल का मटेरियल वो जो है कड़वा लगेगा। चाहे आप लड्डू बनाएं या फिर कुछ भी बनाएं, तो हल्का सा ही हम लोगों को रोस्ट करना है, 2 से 3 मिनट जो है वो मैक्सिमम है। तो मेरा तिल जो है अभी रोस्ट हो गया, आप खाकर भी इसको देख सकते हैं, चक्कर देख सकते हैं। तो अभी तिल मेरा जो है वो रोस्ट हो गया है, भून लिया है हमने। अभी इसको एक अलग कढ़ाई में, मतलब कढ़ाई को हटा देते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं। और ये मावा जो देख रहे हैं ये मैंने कल ही बनाया था इसको, मतलब इसी के मावा रोल बनाने के लिए, लेकिन अभी जो है सुबह इसको मैं कर रही हूँ। और ये घर का बनाया हुआ मावा है, आप चाहे तो मार्केट का भी ले सकते हैं। और ये मावा को थोड़ा सा हम लोग गर्म कर लिए हैं और ये देखिए थोड़ा सा हम लोग इसमें गुड़ डाल दिए हैं, जितना मावा था उतना ही करीब हमने गुड़ लिया है। और इस तरह से गुड़ और मावा को दोनों को अच्छे से पिघला लेंगे, मतलब गुड़ डालते ही क्या होगा, धीमी आँच पर इसको इस तरह से भूनेंगे तो गुड़ जो है वो मावा के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएगा, गुड़ है पिघल जाएगा। आप चाहे तो चीनी भी ले सकते हैं, लेकिन चीनी जो है हेल्थ के लिए अच्छा होता नहीं है। तो मैं बिल्कुल मावा से ही और गुड़ से ही बनाने वाली हूँ, हल्का सा ही गुड़ हमने लिया है। तो अभी मेरा देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अभी तिल जो हमने लिया था ना, भुना था, उसको हमने हल्का सा क्या किया है, रोस्ट कर लिया, मतलब पीस लिया है मिक्सर में। और इसको अभी जो पीसा हुआ तिल है उसको यहाँ पे हम डाल देंगे और ये देखिए इस तरह से अच्छे से हम लोग मिक्स कर देंगे। और इसको मतलब जब डालते हैं उसके बाद गैस के फ्लेम को बिल्कुल ऑफ कर देना है। उसके बाद इस तरह से हम लोगों को चला चला कर जो है अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसको रोकिए, अगर छोड़ दीजिएगा तो ये क्या हुआ, तुरंत ठंडा होके जो है गांठ बन जाएगा इसका। तो इस तरह से चलाते रहना है हमको कंटिन्यू 2-3 मिनट तक और अच्छे से इसको हम लोगों को क्या करना है, मिक्स कर लेना है। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा सौंफ पाउडर भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, हमने डाला नहीं। और देखिए ये बिल्कुल जो है इस तरह से मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है और एक डो जैसा बिल्कुल तैयार होता है, जैसे आटा हम लोग गूंथते हैं बिल्कुल उस तरह से ये तैयार हो गया। अभी हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे, मेरे पास जो है कुछ है नहीं तो ये प्लास्टिक जो मैंने लिया है, कपड़ा का जो प्लास्टिक आता है मार्केट में, उसी को हमने लिया। इसको अच्छे से हमने साफ़ कर लिया है और इसके ऊपर थोड़ा सा हमने घी डाल दिया है और थोड़ा सा जो है तिल, खड़ा तिल है उसको डालकर इसको इस तरह से देखिए जैसे मैं कर रही हूँ, इस तरह से इसको चिपका लेना है, फैला लेना है और एक अच्छा सा शेप आप दे सकते हैं। देखिए इस तरह से मैंने कर दिया है इसके ऊपर और थोड़ा सा आपको जो है आसानी से हो जाएगा। आप चाहे तो थोड़ा सा आप अपने हाथ में घी को लगाएंगे तो वो चिपकेगा नहीं आपके हाथ में, बिल्कुल अच्छे से आपका बन जाएगा। ये देखिए चारों तरफ से हमने एक स्क्वायर शेप दिया है, आप चाहे तो रेक्टेंगुलर शेप दे सकते हैं। और ये देखिए मेरा बिल्कुल बनकर जो है वो तैयार हो गया और ऊपर से और हमने थोड़ा सा तिल डाल दिया है और अभी जो ड्राई फ्रूट्स है उसको भी ऊपर से हम लोग डाल देंगे। आप चाहे तो जितना ड्राई फ्रूट्स डालना चाहे, जो भी डालना चाहे डाल सकते हैं। यहाँ पे हमने काजू और बादाम लिया है, आप चाहे तो पिस्ता भी ऐड कर सकते हैं और भी ड्राई फ्रूट जो आता है उसको भी डाल सकते हैं। अभी देखिए इस तरह से एक तरफ से हम लोगों को प्लास्टिक को उठाते हुए हाथ से इस तरह से हम लोगों को इसको रोल करना है। थोड़ा सा जब ठंडा हो जाता है तो ये सेटल हो जाएगा और अच्छे से रोल हो जाएगा, ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, ज़्यादा ठंडा करिएगा तो ये रोल नहीं होगा। और देखिए इस तरह से घुमाते घुमाते जिस तरह से मैं कर रही हूँ उस तरह से आपको करना है और अच्छे से आपका जो है ये मावा और तिल रोल हो जाएगा। देखिए इस तरह से और इस तरह से सेटल करते हुए देखिए धीरे धीरे आपको इस तरह से करके बिल्कुल जैसे रोल बनाते हैं उस तरह से करना है, थोड़ा टाइट करके करना है और ये बिल्कुल आपका रोल हो जाएगा। देखिए इस तरह से आपको जो है रोल कर लेना है धीरे 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 और देखिए बिल्कुल जो है मेरा रोल हो गया और एक भी ड्राई फ्रूट्स जो है मेरा बाहर नहीं आया, सारा ड्राई फ्रूट्स जो है अंदर ही सेटल हो गया है।
तो ये कितना अच्छा लग रहा है जब इस तरह से बनाते हैं तो लोग मतलब पसंद भी करते हैं। डायरेक्ट ऐसे बना के देंगे तो लोगों को लगेगा पता नहीं क्या है, लेकिन इस तरह से सेप आप देते हैं तो ये काफ़ी अच्छा बनता है। तो देखिए मेरा जो है बनकर तैयार हो गया और इस दोनों तरफ से मैं इसको इस तरह से कर लेती हूँ और इसके ऊपर और थोड़ा सा खड़ा तिल हमने डाल दिया है, चारों तरफ से इसके ऊपर लगा दिया है और इसको इसी तरह से प्लास्टिक में हम लोग क्या करेंगे अच्छे से लपेट देंगे और इसके बाद इसको 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में डाल देंगे। फ्रिज में डालने से क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा और फिर ये काटना इसको आसान हो जाएगा। तो अभी देखिए मेरा रोल बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है और देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो अभी मैं इसको इस तरह से प्लास्टिक में लपेट देती हूँ और थोड़ा सा और तिल मैं इसके ऊपर डाल दी हूँ। तो अभी देखिए इस तरह से प्लास्टिक में मैं रैप कर दी हूँ और आप चाहे तो इसके ऊपर बटर पेपर भी ले सकते हैं, जो भी लेना चाहे ले सकते हैं। और 10 मिनट हो गया है और मैंने इसको देखिए फ्रिज से बाहर निकाल लिया है और देखिए कितना अच्छा से ये सेट हो गया है। कुछ भी आपको मार्केट से कुछ भी लाने की आपको ज़रूरत नहीं है, बस प्लास्टिक आपका साफ़ सुथरा होना चाहिए। और देखिए अभी मैं आपको काट कर दिखा रही हूँ, देखिए बिल्कुल जो है मार्केट से भी अच्छा आपका घर पर ये तिल और मावा का जो रोल है वो बनकर तैयार होगा। इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में काट कर आप रख सकते हैं और इसे स्टोर करके आप 2 से 3 दिन बनाकर मतलब 15 दिन भी आप खा सकते हैं, लेकिन जितना मैंने बनाया उतना 2 से 3 दिन काफ़ी है। और मकर संक्रांति पे इसे मतलब काफ़ी अच्छे मतलब बनाया जाता है, तो आप भी अपने घर पे इस तरह से बिल्कुल आसानी से मावा और तिल रोल बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें और अगर आपको भी मतलब बनाना है तो इस तरह से आप भी अपने घर पर इस मकर संक्रांति में इस तिल मावा रोल को बना सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और अभी देखिए मैं इसको अच्छे से इसकी प्लेटिंग कर देती हूँ। इस तरह से देखने पे जो है ये काफ़ी खूबसूरत लगता है और ये देखिए। तो आप इसको अगर किसी को देना चाहते हैं तो इसे दे भी सकते हैं और घर पर भी इसे बनाकर खा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।